ये देखिए दोस्तों, जो आलू की टिफिन है पूरी भरी हुई अंदर आपके नान के। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं इस समय हल्द्वानी में मंडी गेट पे हूँ, जो कि बरेली रोड पर पड़ता है। तो आज मैं यहाँ पे एक फूड का रिव्यू करूँगा जो बहुत लाजवाब है, बहुत बेहतरीन बनाते हैं। पूरा हम जानेंगे कितना पुराना इनका काम है और क्या क्या बनाते हैं ये फूड में, और क्या समय इनका वो भी मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं फूड को देखने, फूड का जायका लेने। तो यह है बरेली रोड, और मैं इस समय आया हूँ फ्रेंड्स मंडी का, जो बरेली रोड वाला जो आपका ये रास्ता है, और यहीं पे एक छोले भटूरे नाम का एक स्टॉल लगता है, एक रेड़ी लगती है। और यहाँ पे किस तरीके से भैया बनाते हैं, काफ़ी भीड़ होती है दोस्तों यहाँ पे। स्वाद कैसा है पूरा मैं आपको बताऊँगा, छोटी सी मुलाकात भैया से भी कराऊँगा, कितना पुराना काम है इनका और क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर ये। और देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठने के, पेड़ की छाँव में आप आराम से बैठ के खा सकते हैं। तो पूरा है, पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो को आप देखना एंड तक, वाकई में मज़ा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों, इस समय मेरे सामने फूड काउंटर के अपने ऑनर हैं भैया, जिनसे पूछते हैं कितना पुराना काम है। भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। तो भैया आपका शुभ नाम? मेरा मुकेश सैनी। मुकेश सैनी, तो भैया कितना पुराना काम है अपना और क्या क्या बनता है यहाँ पर? छोले भटूरे हैं, नान है, राजमा चावल है, पूड़ी है, भटूरे। अच्छा, और कितना समय हो चुका भैया? काफ़ी समय, लगभग कितने साल हो गए? तो काम ही यही है हमारा, शुरू से शादियों का भी काम ही है, पार्टी का भी काम करते हैं, खाली टाइम यही है। काफ़ी पुराना काम है, लगभग 10 से 10 साल से ऊपर हो गई होगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा हैं, 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अच्छा, तो क्या रेट है अपने वहाँ भैया, जरा ये भी बता दीजिए। 30 रुपये थाली भाई। 30 रुपये थाली, नान की 2 नान आएगी। अच्छा, 2 नान आएंगी 30 रुपये। 30 रुपये। और उसके अलावा क्या क्या देते हो आप? रायता है, सब्जी है, सलाद है, अचार है, सभी आता है। सारा आइटम 30 रुपये में। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा हो जाती है भैया? हो जाती है। और कोई छुट्टी किसी दिन? कोई दिन कोई छुट्टी दिन 7-7 दिन खुला रहता है। अच्छा, तो भैया एक बार यहाँ का एड्रेस बता दीजिए, अगर जैसे कोई यहाँ पे आना चाहे खाने तो क्या एड्रेस है? मंडी गेट। अच्छा, बड़ी मंडी, बड़ी मंडी गेट, हल्द्वानी मंडी। अच्छा, और ये बरेली रोड वाले जो रास्ता है। तो भैया हमारे लिए भी एक प्लेट लगाइए आप, हम भी टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा फूड है यहाँ का। नमस्कार भैया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक भाई हमारे छोले भटूरे खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं भैया कैसे लगता है आपको यहाँ का फूड? बढ़िया ही लगता है भैया, हमें तो जब भी आते हैं हमेशा ही खाते हैं यहाँ पे। तो आप यही बाहर के हो या हल्द्वानी के भैया? नहीं, मैं बाहर का हूँ भैया। बाहर के, तो रेट वगैरह स्वाद अच्छा ही लगता है आपको? नहीं, ठीक ही है भैया, सब बढ़िया है हमारे हिसाब से। आपके साथ सही है ना, सस्ता और बढ़िया क्यों भैया? हाँ जी भैया, धन्यवाद भैया बहुत बहुत। भैया आपको कैसा लगता है? बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया लगता है। आप भी बाहर के भैया? हम भी बाहर के भैया। धन्यवाद भैया, चावल खा रहे हैं। तो अंकल जी कैसे लगे आपको? बढ़िया लगे, बढ़िया। तो अंकल जी यही लोकल के हो या बाहर के हो आप? यहीं के, यहीं के। यहीं के, स्वाद अच्छा लगता है इनका? सही लगता है। तो मंडी में काम करते हो भैया? हाँ, मंडी में काम करते हैं, ऐसा सजान पर। अच्छा, तो बढ़िया लगता है इनके वहाँ? धन्यवाद भैया। तो दादी कैसा लगा आपको? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया एकदम। राइट, पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके हैं आप? पहली बार आ रहा हूँ। पहली बार आए हो जी? तो यही हल्द्वानी के बाहर के हो? हल्द्वानी मंडी, हल्द्वानी के मंडी के जी। तो दादी पहली बार आए हैं और छोले भटूरे टेस्ट कर रहे हैं और बहुत बढ़िया लगे, धन्यवाद दादी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जो खाने आते हैं उनका रिव्यू कितना बढ़िया है, स्वाद है खाने में। और अब लग रही है हमारी प्लेट भी, हम भी आपको बताएंगे कैसा टेस्ट है यहाँ का। लग रही है हमारी प्लेट, ये आपके छोले हैं और उसमें आलू डाल रखे हैं और रायता और सैलेड और आपकी अचार ही मिर्चा। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन साफ सफाई दोस्तों पूरी मिलेगी आपको। भीड़ आप देख सकते हैं, देखिए सब लोग देख रहे हैं यहाँ पे और खाना खा रहे हैं और खाने का मज़ा ले रहे हैं क्योंकि पेड़ की छांव है। पीछे यहाँ पे एक मंदिर है, यहाँ पर
अपना प्राचीन शिव मंदिर इसी की छाँव में भैया लगाते हैं अपना छोले भटूरे का और अमृतसरी नान का काउंटर। तो दोस्तों आप लोग लीजिए वीडियो का मज़ा, मैं लेता हूँ खाने का मज़ा। तो दोस्तों आ चुकी है हमारी प्लेट और देखिए ये है आपकी बटर नान और ये लाजवाब छोले। तो टेस्ट करते हैं, बताते हैं आपको दोस्तों कैसा स्वाद है इस पूरी थाली का। बहुत लाजवाब लग रही है। और आप मक्खन कौन सा यूज़ करते हो? न्यूट्रलाइट का। दोस्तों ये मक्खन है और 30 रुपये की थाली है। मैंने ली है सिर्फ एक बटर नान, आप दो ले सकते हैं। और एक बाइट बनाते हैं और बताते हैं। देखिए आलू भी देखिए भरा हुआ है इसके अंदर, आलू वाले ही आपकी बटर नान ही है। और ज़बरदस्त छोले लग रहे हैं। और ये है आपकी अचारी मिर्चा जो कि हर थाली मिलती है। छोले का तो स्वाद है बेहतरीन आ रहा है, थोड़े से हल्के से स्पाइसी है लेकिन मज़ा आ रहा खाने में। और ये रायता है देखिए पतला पतला। तो दोस्तों कभी आप हल्द्वानी आना हो तो मंडी गेट पे भैया का ये स्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पे आके एक बार इनके छोले भटूरे आपकी बटर नान हो गई पूरी बनाते हैं भैया। और हर खाना सारा खाना यहाँ पे 30 रुपये का है, बहुत लाजवाब। एक बार आप लोग ज़रूर आइए और भैया के वहाँ आके यहाँ का टेस्ट लीजिए। नीट एंड क्लीन है, सफाई बिल्कुल मिलेगी आपको यहाँ पे पूरे स्टॉल में। और सुबह 7 बजे से भैया कितने बजे बंद? सुबह 6 बजे से यहाँ पे चालू हो जाता है और शाम कितने बजे तक? 3 बजे तक आपको मिलेंगे भैया यहाँ पे। और किसी दिन छुट्टी नहीं होती है। ये देखिए न्यूट्रलाइट का मक्खन है लेकिन मज़ा पूरा है, बहुत लाजवाब। ये कुछ सूखे आलू हैं मसाले वाले। ये देखिए दोस्तों जो आलू की टिफिन है पूरी भरी हुई अंदर आपके नान के। और गरम गरम बनती हैं, गरम गरम आपके प्लेट में आती हैं। बहुत बेहतरीन। तो दोस्तों मैंने तो यहाँ पे बटर नान और छोले टेस्ट करे, वाकई में बहुत औसम है। एक बार आप लोग भी आइए और इनके वहाँ इनका बटर नान और छोले पूरी आप टेस्ट करिए, वाकई में मज़ा आ जाएगा आपको। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को हो सके तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलूंगा नई जगह, नए स्वास्थ्य को दिखाऊंगा, नए जायके को दिखाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।